के साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। धनेली के खेत में गड़ा हुआ नकली होलोग्राम का जखीरा बरामद किया गया। ईओडब्ल्यू ने खेत से 5 कार्टून नकली होलोग्राम बरामद किया है। सबूत मिटाने के लिए नकली होलोग्राम को जलाने की आशंका भी जताई गई है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर डेवर के पिता के नाम पर यह खेत है। बता दें ईओडब्ल्यू ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। होलोग्राम को भी बरामद किया गया। बड़ी मात्रा में होलोग्राम गाढ़ा हुआ था और अब जो है ये जब्त किया गया। साथ ही साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई है। खबर रायपुर से है। महादेव सट्टा ऐप मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र के सांदरिया से की है। इनके पास से पुलिस ने 47 मोबाइल, 56 एटीएम कार्ड, लैपटॉप सहित 12.5 लाख का सामान जब्त किया है। ये लोग पुणे से सट्टा खिलाने का काम करते थे। रायपुर और मौधा पारा की एक संयुक्त टीम ने पुणे में सांगरिया नामक एक लोकेशन पे रेड कार्रवाई की, जहां पर 5 लोग महादेव सट्टा खिलाते हुए मिले। इन 5ों लोगों को वहां से लेके आया गया, जिनसे लगभग 12.5 लाख रुपए का सामान, जिसमें 47 नग मोबाइल फ़ोन हैं, 6 लैपटॉप हैं, 57 एटीएम कार्ड और उनके और भी कागजात हमको प्राप्त हुए हैं, कुछ राउटर्स प्राप्त हुए हैं। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पर भेजा जा रहा है। साथ ही इनसे बहुत सारे व्हाट्सएप अकाउंट से कई अकाउंट्स मिले हैं, जिनको फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर में पीडीएस का अनाज जब्त किया गया। गल्ला व्यापारी के घर से 111 बोरी अनाज बरामद किया गया। बता दें पीडीएस का चना और 50 क्विंटल गुड़ जब्त किया गया है। 4 लाख से ज्यादा की कीमत है चना और गुड़। पुलिस ने गल्ला व्यापारी के घर पर छापेमारी की, जहां से बरामद हुआ। कलेक्टर ने अब सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने 21 ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। बता दें 11 जुलाई से 15 जुलाई तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। कैंसिल होने वाली ट्रेनों में 8 एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, 13 पैसेंजर गाड़ियां हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में रेल लाइन का काम होने के चलते ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। अकलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। इसी के तहत ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में अपनी रिकॉर्ड जीत के बाद जनता का आभार जताने चंदेरी पहुंचे। चंदेरी में उनका कदम कदम पर स्वागत किया गया और इसी दौरान पूरी चंदेरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने जनता के अभिनंदन को पूरे शहर में यात्रा कर स्वीकार किया। चंदेरी में सजे मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर मेरी चंदेरी की जनता का पसीना भी टपकेगा तो ये सिंधिया परिवार का खून भी आपके लिए बहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, प्रदेश आगे बढ़ा, जिला आगे बढ़ा है और गांव आगे बढ़ा है। उस नेतृत्व की क्षमता के आधार पर जो अपने मुट्ठी में समूचे भारत साथ में लेकर चल रहा है, उस अभियान में आप और हम भी जुड़कर इस भारत माता को 2047 तक का सफर, अमृतकाल से शताब्दी काल के सफर में एक विकसित भारत में परिवर्तित करें। और उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है 24/7 4/20/47, मतलब 24 घंटे 7 दिन काम करना है 2047 के लिए, यह हम सब नागरिकों का। अपने बयानों और ट्वीट के जरिए अक्सर कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह जल्द ही भाजपा में नजर आ सकते हैं। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के छोटे भाई पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को बीजेपी में वापसी का न्योता मिला है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसकी पुष्टि भी की है। कांग्रेस में
असहज महसूस कर रहे लक्ष्मण सिंह बीजेपी में वापसी का मन बना रहे हैं और जल्द ही पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने ऐसी किसी भी संभावना को नकारा है और कहा कि पार्टी फोरम में फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी हमारे नेता हैं, स्वाध्याय पहले भारतीय जनता पार्टी से वो रहे हैं और अगर झाज का पंछी झाज पे लौट के आता है तो हमें तो खुशी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे द्वार खुले थे, पहले भी कई लोग आए जो मेरे सामने चुनाव लड़ा, उमराव सिंह गुजर जिसको मैंने 27,500 वोटों से हराया, वो यदि भारतीय जनता पार्टी में आया तो हमने सहज स्वीकार किया। अब ये उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आप उन्हीं से पूछिएगा। पार्टी फोरम में सर लेकिन क्या ठीक है? नहीं, पार्टी फोरम में इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा। सर लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के साथ है? निश्चित रूप से कांग्रेस में है, वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के हमारे बड़े लीडर है। एमपी में जल्द ही जेलों का नाम बदला जाएगा, जेलों को अब सुधारात्मक संस्था और बंदीगृह कहा जाएगा। एमपी देश का पहला राज्य होगा जहां जेल का नाम बदला जाएगा। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि बंदियों का आचरण बदलने के लिए कार्यक्रम चलेंगे, आदतन अपराधियों को सामान्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया है। कि सरकार ने देश में सबसे पहले जेल बंदीगृह इनमें सुधारात्मक सेवाएं प्रारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं बंदीगृह विधेयक 2024 आज सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के माध्यम से जो अपराधी किसी कारण से बन गए हैं उनको सुधार हम कर सकें, उनका हम पुनर्वास कर सकें, वे दोबारा अपराध की दुनिया में ना जाएं, इसलिए उनको बदल कर उनको समाज में समाहित कर सकें, इस तरह की अनेकों चीजें इस विधेयक में चिंता की गई है। अपने जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अब वो हिंदू राष्ट्र के लिए व्यापक रूप से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने हाथरस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बागेश्वर बाबा ने भोले बाबा के सत्संग पर सवाल उठाए, कहा कि साधु तब माना जाएगा जब वो अपनी वेशभूषा में होगा। बागेश्वर बाबा ने राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर बयान पर कहा कि हिंदू जैसा अहिंसक दुनिया में कोई नहीं है। यही कहना है कि अब इस साल हम हिंदू राष्ट्र के लिए और व्यापक रूप से कार्य कर पाए। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की यात्रा जन जन तक पहुंचाएंगे। संतों का आशीर्वाद मिला है, लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद को सिर पर हमने रखा, निश्चित रूप से अब हमारा बाल बांका नहीं। हाथरस मामले में क्या कहेंगे आप? हाथरस में जो घटना हुई है, हाथरस का मामला उतना तो हमें उसका पूरा जानकारी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना, देश का दुर्भाग्य है भाई। मीडिया आपको तब माना जाएगा जब आप कार्ड और आईडी लेकर के आएंगे, और पुलिस तब माना जाएगा जब वर्दी होगी आपके पास। उसी प्रकार आप साधु तब माने जाएंगे जब आपके पास वेशभूषा, ज्ञान और अपने राष्ट्र के प्रति और सनातन के प्रति सम्मान हो। नेताओं पर कोई बयानबाजी नहीं, पर हिंदू जैसा अहिंसक दुनिया में कोई नहीं। धार की भोजशाला के सर्वेक्षण की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के लिए एएसआई को 2 और सप्ताह का समय मिल गया है। अब एएसआई 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश कर सकती है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करेगा। ये दिन भोजशाला को लेकर होने वाली सुनवाई के लिहाज से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। लोग जानते हैं विगत दिनों एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। आज माननीय न्यायाधीशों ने एएसआई को आगामी 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया है, साथ ही प्रकरण में आगामी तिथि 22 जुलाई निर्धारित की है। जी, जानकारी लगी कि पिछले दिनों जैन समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि यह मंदिर जैन मंदिर है, इसलिए हमें दिया जाए। तो धार के समग्र जैन समाज ने मंगलवार को भोजशाला में उपस्थित होकर उन व्यक्तियों का विरोध किया है। वो कहा है कि हम सनातन धर्म का हिस्सा हैं और इस पूरे प्रकरण में हम सनातन धर्म के साथ हैं। और अब बात बैतूल की, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा के गोस्वामी तुलसीदास को गवार कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान के विरोध में बैतूल में गोस्वामी समाज ने रैली निकाली। इसी दौरान लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास गवार नहीं है और पंडित
प्रदीप मिश्रा होश में आओ के नारे लगाए। गोस्वामी समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा को चेतावनी दी, जिसमें कहा गया कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा ने गोस्वामी समाज से माफी नहीं मांगी तो उनके हर कार्यक्रम में विरोध होगा। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने एक कथा वाचन में कहा था कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो तुलसीदास जैसे गवार हैं। ये कार्रवाई ये रहेगी कि अभी तो हम उनसे निवेदन ही कर रहे हैं कि उन्होंने माँ ताप्ती जी के बारे में और इससे पूर्व राधा रानी के बारे में भी उन्होंने जो कहा था, इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को जो उन्होंने गवार की संज्ञा दी है, तो उससे पूरे गोस्वामी समाज में आक्रोश है और सभी गोस्वामी समाज के संगठन उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो कथा में गोस्वामी समाज से माफी मांगे। गुरुवार को जबलपुर में दो हादसे हुए जिसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई तो दूसरे हादसे में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए। दोनों घायलों को विक्टोरिया अस्पताल में रेफर किया गया। ये 2 तस्वीरें 2 हादसों की आपके सामने। और उधर अशोकनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। दरअसल कोचिंग के लिए स्कूटी से अपने भाई के साथ छात्रा जा रही थी, ट्रैक्टर की चपेट में आ गए जिसमें छात्रा की मौत हो गई जबकि छात्रा का भाई उछलकर दूसरी ओर गिर गया, उसकी जान बच गई। छात्रा की स्कूटी ओवरटेक के दौरान ट्रॉली हैंडल से टकराई जिससे ट्रॉली के पहिए की चपेट में छात्रा आ गई। रतलाम के डीपी वायर्स फैक्ट्री में हादसा हो गया जिसमें एक हेल्पर की मौत हो गई। मशीन के पास भरे पानी में करंट फैलने से 22 वर्षीय हेल्पर नितिन सरोज की जान चली गई। आसपास के वर्कर्स की मदद से नितिन को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर फैक्ट्री के मजदूरों में आक्रोश है। वर्कर्स फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। औद्योगिक थाना रतलाम पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो आग चेक करने के लिए वो पेंटिंग बना रहा था, पेंटिंग के कारण से वो पानी रुका हुआ था, उसको करंट आया, वहीं गिरा, वो खत्म हो गया वहीं पे, कंपनी के ही अंदर वो समाप्त हो गया था वो। क्या काम करते थे, किस पद पे थे? वो हेल्पर के पद में थे, हेल्पर के पद में थे, हेल्परी कर रहे थे। वो मशीन देखने के गए उठे पॉइंटिंग बनाने के लिए, उसके कारण से वो इस पाया, वो करंट लगा, इस पार हो गए। बलरामपुर में पुल से ट्रेलर नीचे गिर गया, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें शव निकाले गए। नेशनल हाईवे 343 के सेमरसोत के पास ये हादसा हुआ। अंबिकापुर बलरामपुर रोड पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। बलरामपुर के पलगी गांव में दुकान के बाहर महिला का शव मिला। शव के पास ही एक 3 साल का बच्चा घायल था। वारदात के वक्त घर के परिजन मौजूद नहीं थे। जब घर लौटे तो शव देखकर फोड़ मच गई। उन्होंने पुलिस को खबर दी। इधर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुट गई है। मुरैना की सड़कों पर इन दिनों तय सीमा से अधिक ओवरलोड वाहन फर्राटे भर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवरलोड ट्रैक्टर भी तय सीमा से अधिक की स्पीड में दौड़ रहे हैं और इसी दौरान ट्रैक्टर चालक भी स्टंट भी करने लगते हैं। ऐसे में अन्य वाहन चालकों की जान जो है हलक में अटक जाती है कि कहीं ट्रैक्टर उनके वाहन पर ना गिर जाए। मामला जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर के अलारस कस्बे का है जहां एक ट्रैक्टर अनाज से भरकर मंडी से वेयरहाउस की तरफ जा रहा था, तभी कैलारस कस्बे में शहर के बीचों बीच ट्रैक्टर चालक ने स्टंटबाजी की। अब पुलिस कार्रवाई की बात भी कर रही है। ये एक वीडियो अभी संज्ञान में आया है, वो वीडियो कब का है, किस जगह का है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। थाना प्रभारी को संबंध में बता दिया गया है और जो भी होगा उसमें अग्रिम बताने का।
जबलपुर में 16 साल की एक नाबालिग लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कुलोन निवासी यशवंत उर्फ ईशु पटेल पर है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से जंगलों की तरफ फरार हो गया। पुलिस कुलोन गांव से लगे जंगलों में आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। घटना को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक गाड़ी का हेल्पर तो दूसरा गाड़ी का चालक था। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें पूरी घटना कैद हुई। एक युवक को जैसे ही करंट लगा वो गाड़ी से सीधे नीचे आ गिरा। वहीं पास में खड़े युवक ने उस पर पानी फेंक दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्योपुर में जंगली जानवर के हमले में एक युवक की मौत हो गई। जानवर के हमले में युवक की मौके पर मौत हुई। मामला भैंसरावन गांव के पास जंगल का है। जब कराहल से गांव चक्रामपुरा लौट रहे युवक रिंकू आदिवासी पर जंगल के रास्ते में अज्ञात जानवर ने हमला किया और वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। हरेश्वर की भैंसरावन के पास अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। यूजी में बड़ी संख्या में छात्र फेल हुए हैं। फर्स्ट ईयर में तो आधे से ज्यादा छात्र फेल हो गए हैं। इनमें से कई कॉलेजों के छात्रों को अंग्रेजी केमिस्ट्री में 0 अंक मिले हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में कॉपी जांचने में लापरवाही के आरोप लगाए। कुल सचिव ने आंदोलनकारी छात्रों से बात की, कहा कि परीक्षा परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आपको बता दें कि यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट 28 जून को जारी किए गए थे। रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया था। उन्होंने अपने कुछ मार्कशीट दी थी, उस मार्कशीट की जो हमारी नियम व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल हमने एक प्रोफेसर से उनकी कॉपी को निकलवा के उनका चेक किया। लगभग वही रिजल्ट आया जो रिजल्ट उन्होंने कॉपी में पहले लिखा हुआ था। छात्रों को बताया, कुछ संतुष्ट हुए कुछ नहीं हुए। आज भी वही समस्या, कोई नई बात आज भी नहीं है, वही बात तब की है कि अपने रिजल्ट से वो असंतुष्ट है। आज भी वही बातें हुई। विश्वविद्यालय के अपने नियम व्यवस्थाएँ होती हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत हम लोग जो कर सकते हैं। छात्रों को हमने ये भी कहा कि इसके बावजूद भी अगर आप असंतुष्ट हैं आप रिवेल डाल सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन के लिए डाल सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन में भी दो प्रोफेसर चेक करते हैं, सारे प्रोफेसर आपके दुश्मन नहीं हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसके बावजूद भी अगर आपको असंतुष्टि लगती है तो आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है। इंदौर के वार्ड नंबर 1 के अमार नगर में बच्ची के गड्ढे में गिरने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। इस मामले में अब दोषी कंपनी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं निगम के सब इंजीनियर का भी वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस घटना में बच्ची गड्ढे में गिर गई थी जिसे कि समय रहते बचा लिया गया था। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था। शुक्रवार के दिन खुदा था, शुक्रवार के दिन ये आधे दिन बाद आए। उसको मैंने जेसीबी वाले को बोला भी सही कि ये आप हाथों हाथ भर दोगे क्या, हो जाएगा काम? तो बोला हाँ भैया हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, गड्ढा खोद के चले गए। मैं यहाँ से निकल रही थी तो फिर फिसल गया मेरा, फिर उधर से इधर से एक लड़का आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं किनारे पर आ गई थी तो उसने पकड़ लिया मुझे। बैतूल के 8 गांवों के हजारों आदिवासियों ने सरकार पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए और अब वो विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। मामला शीतलझिरी बांध निर्माण का है जहां 8 गांवों के किसान पिछले 1 साल से बांध निर्माण का कड़ा विरोध कर रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के समय भी जब बांध निर्माण का विरोध कर रहे आदिवासियों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने मामला संभालते हुए बांध निर्माण रोकने का आश्वासन देकर स्थिति को संभाल लिया था।
लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद पिछले महीने सीएम यादव ने बैतूल की मुलताई तहसील में शीतलझिरी बांध निर्माण का भूमि पूजन कर दिया, जिससे अब 8 गांवों के आदिवासी सरकार पर धोखेबाजी के आरोप लगा रहे हैं। बांध को लेकर ग्राम सभा ने पूर्व में प्रस्ताव लिया है कि भाई यह भूमि जाने से हमारी आजीविका पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है और हमारी आजीविका दूर हो रही है, इसलिए उनने बांध के खिलाफ अपना प्रस्ताव पारित किया। सरकार का जो भी काम होता है वो भोजन हिताय भोजन सुखाय पे आधारित होता है, क्षेत्र की तरक्की और क्षेत्र के विकास से संबंधित होता है, इसीलिए ये योजना बनाई गई हो जिसका जैसे आप बता रहे हो कि टेंडर इत्यादि भी जारी हुए, इसके बनने से क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा। बात जहाँ तक जो आज की ज्ञापन की है तो उन्होंने ज्ञापन दिया है, इसको शासन को भेजेंगे। रतलाम जिले के आलोट के नायब तहसीलदार महमूद अली इन दिनों चर्चा में हैं। वजह है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट, जिसकी बीजेपी नेताओं ने शिकायत की। नगर परिषद आलोट के उपाध्यक्ष महेंद्र सोलंकी ने आलोट थाना पुलिस को शिकायत की है कि महमूद अली के अकाउंट से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए गए, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार महमूद अली ने आलोट थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। आलोट थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीधी में खराब सड़क को लेकर एक महिला ने पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई। ठेठ गवई अंदाज में महिला ने सभी 29 लोकसभा सीट पर जीत दिलाने की बात कही और बताया कि अब तक कलेक्टर विधायक सांसद सबसे गुहार लगाई है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। महिला की गुहार का वीडियो वायरल हो रहा है। रामपुर नायकिन जनपद के सेंधवा गांव की सड़क का ये मामला है, तो वहीं महिला का नाम लीला साहू भी बताया जा रहा है। चलत तक में परेशानी कितना ज्यादा आवत है, अपना बच्चे का उधर की यही था, हमारे यहाँ देख ले हालत के हालत देख ले। और हमारे गांव के नाम है खड्डी खुर्द जिला सीधी बगैया टोला। अरे जंगल तो का भा रोड तो चाहिए ना, यहाँ कतना बस पर लड़ती है, बरसात में तो हालत खराब होता है। हम अपील है अपना से ही, और सबसे अपील है मोदी जी तक बात जाए चाहिए, ठीक है। ओ मोदी जी हमारे यहाँ के रोड बनवा दे, हम बताए थे अपना कहीं सांसद यहाँ से 29 के 29 सीट में जीते हैं, अपना कहीं जिताए नहीं हमारे मध्य प्रदेश के लोग, तो अपना हमारे यहाँ के रोड तो बनवा दी। मध्य प्रदेश के रोड यह में कबाड़ है, हमारे यहाँ के लोग ना सांसद विधायक कलेक्टर तक से मिली आए हैं, लेकिन के नहीं सुनाता है के। ग्वालियर की बीएसएफ अकादमी से दो महिला आरक्षक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। 6 जून को दोनों महिला आरक्षक अपने हॉस्टल में मोबाइल छोड़कर लापता हो गई। बीएसएफ ने बिलोआ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस दोनों महिला आरक्षक की तलाश में जुटी है। बीएसएफ अकादमी से गायब आकांक्षा निखार जबलपुर की रहने वाली है, जबकि शहाना खातून पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बता दें धनेली के खेत में गड़ा नकली होलोग्राम का जखीरा बरामद किया गया। ईओडब्ल्यू ने खेत से 5 कार्टून नकली होलोग्राम जब्त किया। सबूत मिटाने के लिए नकली होलोग्राम को जलाने की आशंका भी जताई जा रही है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर डेबर के पिता के नाम पर यह खेत बताया जा रहा है। फिलहाल बता दें ईओडब्ल्यू ने 3 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। बुरहानपुर और आगर मालवा में तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, किसान बारिश को लेकर खुश हैं, तो वहीं आगर मालवा में बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव हो गया और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बुरहानपुर जिले के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कृषि प्रधान क्षेत्र शाहपुर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिल उठे। जिले में घने बादलों के साथ मौसम ने करवट बदली। दतिया में बारिश के बाद प्राइमरी स्कूल में पानी भर गया। कल एक घंटे की तेज बारिश के बाद भदौरिया की खिड़की के पास बने प्राइमरी स्कूल में पानी भर गया। स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी। बताया नाले पर कुल लोगों ने जो है वहां पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है और इसी वजह से जो है स्कूल में पानी भर गया।
खबर दमोह से है, जहां राजस्थान के युवक ने दमोह की लड़की का अश्लील वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। मामला सामने आते ही पुलिस ने युवक को सलाखों के पीछे भेज दिया। मामले की शिकायत पथरिया थाना पुलिस को की गई थी।